넌 앞으로 12번 죽게 된다. 그리고 어떤 몸으로 깨어나도 무조건 죽게 된다. हेलो एंड वेलकम गाइस, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं डेथ गेम की एंडिंग के बारे में। तो जो लोग अभी तक इसकी सीजन 1 को अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं, तो उन सभी को बता दूं कि मैंने पर्सनली इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी को इतना कहना चाहूंगा कि एक मस्ट वॉच कोरियन सीरीज है, जिसमें आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलता है, जिसे काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है और उसे काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया है, जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। और सीरीज की जो करेक्टर्स है और उनके बीच जो कनेक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और जो कास्ट मेंबर ने उन करेक्टर्स को प्ले किया है, उन्होंने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस सीरीज में। तो जो भी हो, अगर आपने अभी तक इसकी सीजन 1 को चेकआउट नहीं किया, तो जाइए बिना देरी किए। आपको इसकी सीजन 1 की सभी 8 एपिसोड है वो हिंदी सबटाइटल में देखने को मिल जाएगी। तो अब आइए जानते हैं इसकी सीजन 1 की एंडिंग के बारे में। तो जैसा कि हमारा जो मेन करेक्टर है जॉय ईजे, उसे पार्ट 1 के एंड में पता चलता है कि पार्क ताई वो एक खूंखार हत्यारा है, जिसने उसके सभी लाइफ में कई हत्याएं किया है और साथ में उसके गर्लफ्रेंड का भी मौत का जिम्मेदार है। और इसके बाद वह पार्ट 2 में ठान लेता है कि वह पार्क ताईयू से किसी भी कीमत पर बदला लेकर ही रहेगा। और इसके लिए वह अपने सभी जन्मों की यादों का इस्तेमाल करता है ताकि वह उसके किए की सजा दे पाए। और जब हमारा करेक्टर का जन्म डिटेक्टिव के रूप में होता है, तो वह लाइफ ताईयू को सजा देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वह उसके अपराधों को साबित करने के लिए सभी सबूत इकट्ठा करने लगता है अपनी प्रीवियस लाइफ के यादों के जरिए। और उसे अपने हाथों से मारने का भी मौका मिलता है, लेकिन डेथ के बीच में आ जाने के कारण वह उसे नहीं मारने का फैसला करता है। और इसके बाद ताईयू एक ट्रक के चपेट में आ जाता है, जिसके वजह से वह अपनी दोनों टांगों को गवा बैठता है। तो इस तरह उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है। और इसके बाद हमारा करेक्टर आखिरी जन्म में पहुंचने से पहले पूरी तरह से टूट चुका होता है, क्योंकि इससे पहले उसने जितने भी जिंदगी को जिया था वो सब अलग अलग लोगों की जिंदगी था, और उसने उनके जिंदगी में जो कुछ भी किया था उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। और इसके बाद हमारा जो करेक्टर है वो आखिरी जन्म में पहुंचता है, जहां वो खुद को पाता है अपनी माँ के शरीर में। और इसके बाद उसे अपनी आखिरी लाइफ को अपने माँ के रूप में जीना पड़ता है। और इस सफर में वो समझता है कि उसने अपने माँ को कितना ज्यादा दर्द दिया था। तो ऐसे में वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए और उसकी जिंदगी को लंबी करने के लिए खुद को मौत से बचाता रहता है। तो आखिर में जब उसकी माँ की प्राकृतिक रूप में मौत हो जाती है, तो लंबे समय के बाद हमारा करेक्टर फिर से डेथ से मिलता है, जहां वो अपनी गलती को मानता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिस वजह से उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड को दर्द का सामना करना पड़ा है। अगर उस दिन वह उस डिसीजन को नहीं लिया होता, तो आज उसकी जिंदगी में उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही होती और वह एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता। लेकिन उसका उस फैसले ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। और इस बात का पछतावा उसे तब हुआ जब वो अपनी माँ की लाइफ को जिया, जहां उसने सीखा कि जिंदगी में जितना भी परेशानियां क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और खुद को चोट पहुंचाने का मतलब है कि अपनी करीबियों को भी चोट पहुंचाना। तो ऐसे में वह डेथ के सामने गिरकर रोता है और कहता है कि बस एक बार फिर से अपनी माँ को मैं गले लगाना चाहता हूँ, मुझे बस एक और मौका चाहिए अपनी लाइफ में लौटकर सब कुछ ठीक करने का। तो इस बात से डेथ पिघल जाती है और आखिरी बची हुई गोली हमारे कैरेक्टर को देती है और कहती है कि अगर ये गोली चल जाती है तो तुम्हें एक मौका मिलेगा, जिससे तुम अपनी जिंदगी को शुरू कर पाओगे। अगर ये गोली नहीं चलती है तो तुम्हारी किस्मत ऊपर वाले के हाथ में होगी। तो खुश नसीबी से उसकी वो गोली चल जाती है और हमारा कैरेक्टर उसी पल में लौट जाता है जब वह इमारत से कूदने वाला होता है। लेकिन इस बार जब उसका माँ का कॉल आता है, तो उस कॉल को वो उठा लेता है। और यहीं से इस सीरीज की कहानी खत्म होती है, एक उम्मीद के साथ, एक अधूरापन के साथ। तो जो भी हो, यही इस सीरीज की एंडिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कौन नई वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर। We'll be right back.